हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में कि एज पर व्यू मतलब किस तरह किस डायरेक्शन से हम लोग उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, हम लोग किस तरह क्लासीफाई करते हैं बिल्डिंग ड्राॅइंग को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्राॅइंग एज पर डिटेल्स मतलब कि कौन कौन सी डिटेल्स हम लोग उस ड्राॅइंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ड्राॅइंग में होता ये है कि अगर जब आप साइड डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो वो इतना ज़्यादा आपका कमजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपका उस ड्राइंग में डिटेल्स हो जाएंगी कि आप सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग सेपरेटली ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग है, स्ट्रक्चर ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, प्लम्बिंग ड्राइंग है एंड फिनिशिंग ड्राइंग है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब उसको डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग इज ऑल्सो ए टेक्निकल ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट दैट फॉल्स विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का जैसे माल मतलब होता है वास्तुकला, जो पालू पता है पहले से। ठीक है, तो हम लोग अगर बिल्डिंग की का जो अगर टेक्निकल ड्राइंग ही बनाते हैं मतलब इसमें आपके डायमेंशन एग्जैक्ट वैसा रहे जैसा कि हम लोग को जो बिल्डिंग की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है, हमें किस तरह का डिस्टॉर्शन करना नहीं होता इसमें। लेकिन इसका पर्पस जो है वो होता है कि आपका जो आर्किटेक्चरल व्यू है उसको इन्हांस करना होता है। इट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट व्यू ऑफ बिल्डिंग, तो इससे आपको बिल्डिंग का पूरा कंप्लीट व्यू मिलेगा। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैन गिव ए मोर एक्यूरेट एग्जाम्पल टू आर्टिकुलेट द एंड प्रोडक्ट नीडेड फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिल्ड। तो इसमें इस ड्राइंग में है, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको ये पूरा एक मिल जाएगा कि आपका बिल्डिंग कैसे आपका दिखने वाला है। अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट सच एज लोकेशंस, साइट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एंड अदर डिटेल्स। तो इसमें भी बहुत तरह के मतलब प्लान, एलिवेशन, सेक्शन बनाए जाते हैं इस आर्किटेक्चरल ड्राॅइंग के अंदर। पर मेन जो पर्पस है आपका ड्राॅइंग का कि टू शो यूजर ऑन ऑनर द फॉर फंक्शनल डिटेल एंड एस्थेटिकल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो मेन पर्पस है आपका कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं है, इसका मेन पर्पस होता है कि जो यूजर है जो बाद में चल के उस बिल्डिंग को इस्तेमाल करने वाला है उसको समझ में आ जाना आना चाहिए कि बिल्डिंग कैसी बनने वाली है, उसका मतलब अपीयरेंस कैसे होगा, दिखेगा कैसे, और उसका फंक्शनल डिटेल्स क्या है। फंक्शनल डिटेल मतलब कि कहाँ पे आप कैसे एंट्रेंस होगा, कहाँ पे आपका रूम्स होंगे, उसका साइज क्या होगा, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब वो आपके ओनर को पता चल सके या फिर यूजर को पता चल सके। मतलब कि अगर कोई बिल्डर है, कोई आपका बिल्डर है जो आपका किसी प्लॉट पर आपका कोई बिल्डिंग बनाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है, तो बिल्डिंग को अगर उसको सेल करना हो तो जो भी कंज्यूमर्स आएंगे तो वो उसके उसी ड्राॅइंग के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे। तो ये इतना ईजी ड्राॅइंग होता है जो कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। ठीक है, तो इसका पर्पज जैसे एग्जांपल है कि आपका एक ये ड्राइंग हो, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है ड्राइंग का। इसमें ज़्यादातर डिटेल्स नहीं दी जाती है, मतलब डायमेंशन डिटेल्स नहीं दी जाती है या फिर बिल्डिंग कौन सा मटेरियल का है या फिर किस तरह का कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसमें उसको वो सारी डिटेल्स इसमें ऐड नहीं की जाती है। मतलब जैसा कि यहाँ पे इस ड्राइंग में कि बिल्डिंग आपके बनने के बाद ऐसी दिखेगी, तो ये मतलब मेनली अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आउटर अपीयरेंस कैसा होगा वो दिखाने के लिए होता है। जैसे कि ये प्लान है, ये तो सिंपल आपकी अपने प्लान देखा ही था उसकी तरह ही है, लेकिन बस आपका इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि आपके कॉलम का डायमेंशन क्या होगा, विंडो डायमेंशन क्या होगा, ये दिया हुआ है कि इसमें ही आपका ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सारे बिल्डिंग्स, उसमें जो बेड कहाँ पर होगा, कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर आप चेयर लगा सकते हैं, कहाँ पर डाइनिंग स्पेस है, ये सारे चीज़ें आपकी दी जाती है। मतलब कि जो एक नॉर्मल इंसान भी होगा वो समझ सकता है कि आपका यहाँ सिंपल से एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ आपका डाइनिंग स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो एक पर्सन है वो समझ सके इसके लिए बनाई जाती है। मतलब तो इसका पर्पस ही है क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना, बिल्डिंग का फंक्शन आप समझ सकें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ड्राॅइंग। स्ट्रक्चरल ड्राॅइंग जो आपका स्ट्रक्चर है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये मेनली आपका कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होता है। स्ट्रक्चर ड्राइंग कैन बी टर्मलाइज एज द बैकबोन ऑफ द ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग। बैकबोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो भी जिस तरह भी जो स्ट्रक्चर बनने वाला है उस सारी डिटेल्स इसमें होती है। ठीक है, इसमें ये ध्यान नहीं देना पड़ता है कि आपका बिल्डिंग कैसे दिख रहा है,
वो उस पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं कि आपके जो बिल्डिंग में जो पिलर्स होंगे, कॉलम्स होंगे, बीम्स होंगे, उसका लोकेशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, उसमें कितने स्टील दिए जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द इंफॉर्मेशन द स्ट्रक्चर इंटरवेंशन दैट आर कमिंग ऑन ए बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितने सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट आएंगे वो सारी चीजें देख दी जाएंगी। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग लाइक प्लान, एलिवेशन सेक्शन, इसमें भी होगा प्लान एलिवेशन सेक्शन, इसमें भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉइंग बनाते हैं विद वेरी माइनर डिटेल्स, मतलब कि छोटे छोटे डिटेल्स भी हम देते हैं इसमें। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट या कितना डायमेंशन होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट का भी। क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल जो हम लोग कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह का होगा, स्टील इस्तेमाल करेंगे तो स्टील का साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, स्टील का जो भी छड़ देंगे तो छड़ का लेंथ कितना होगा, कितना स्पेसिंग दी जाएगी, ये सारी डिटेल्स होती है इसमें। डिटेल्स ऑफ द ऑल द स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आर मेंशन इन सच ए एज कंक्रीट मिक्स, लैपिंग कंक्रीट मिक्स, मतलब कि किस तरह कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो है वो M20 है, M30 है, M40 है। एक्चुअली आप आगे पढ़ेंगे कि कंक्रीट जो होता है उसका जो मिक्स होता है उसको M20 M30 से डेजिग्नेट किया जाता है, मतलब कि M20 कंक्रीट है, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है 28 दिन के बाद क्यूरिंग करने के बाद। सिमिलरली लैपिंग होता है, लैपिंग लेंथ मतलब कि स्टील छड़ है जो इस छड़ में डाल रहे हैं तो छड़ में खत्म हो जाता है, अगला जो छड़ हम लोग बिछाते हैं उसके बीच में कितना का डिस्टेंस का लैप करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स। क्यूरिंग कितना देर के लिए करना है, पानी कितने दिन देना है, कौन कौन से एब्रिविएशन है मतलब शॉर्ट में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देंगे, कौन कौन सा कोड इस्तेमाल किया जा रहा है इस ड्राइंग में वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। उसके अलावा जो हम लोग बिल्डिंग का कंपोनेंट वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा उसको भी डिटेल्स में हम लोग समझाते हैं। तो ये आपका मेन कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग साइट पे काम करते हैं। तो आपका एग्जांपल है इस कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का कि इसमें आपके बहुत सारी चीज़ हो सकती है, मतलब कि आपकी सेपरेट फाउंडेशन की ड्राइंग अलग हो सकती है, कॉलम की ड्राइंग अलग हो सकती है, प्लिथ बीम की ड्राइंग अलग हो सकती है, आपके फुटिंग की ड्राइंग अलग हो सकती है, मतलब ये जो भी स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट है उसकी डिटेल्स हम देते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका ड्राइंग है, एक प्लिंथ बीम डिटेल्स दी हुई है, मतलब जो ड्राइंग में सारी फंक्शन दी जाती है कि आपका ये किस चीज़ का बिल्डिंग है, उसका बनाने वाले कौन है, ये सारी डिटेल्स दी जाती है। जैसे यहाँ पर दिए ऑल कंक्रीट शैल बी ग्रेड ऑफ M20, कंक्रीट M20 होना चाहिए, ऑल स्टील शैल बी ग्रेड ऑफ Fe 415, मतलब जो स्टील का जो ग्रेड है, जो फेरस है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी कंक्रीट की डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद जो आपका सिंपल ये प्लान ही है, ठीक है, तो प्लान में भी आपका जो कॉलम है वो कहाँ पे है वो दिया रहेगा। कॉलम के बाद ये मेन है प्लिंथ बीम डिटेल्स, इसका पर्पस है कि आपका प्लिंथ बीम में क्या क्या डिटेल्स होगी वो दी जाएगी, मतलब कि यहाँ पे जो बीम है सबकी अलग अलग बीम के अलग अलग साइज है, ये GB5 है, GB1 नाम दे दिया गया है इसका एब्रिविएशन से ये सब, ठीक है। तो ये GB1 है, GB1 का कौन सा है वो ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, GB1 और PB1 दोनों की डायमेंशन होगी 300 mm डेप्थ, 230 mm विड्थ, उसमें क्या होगा 12 mm का हम लोग स्टील देंगे, कौन सा ये दो स्टील 12 mm की है, एट द रेट टू नंबर्स टॉप, मतलब कि दो टॉप पे हम दो ये 12 mm का देंगे, उसी तरह 12 mm टू नंबर बॉटम पे देंगे हम लोग 12 mm का, और जो है ये रिंग जो है रिंग बनाई जाती है तो वो देंगे 6 mm का, एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 mm के डिस्टेंस पर हम लोग इस तरह के रिंग देंगे बीम में। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो इस तरह के जो छड़ इस्तेमाल की जाती है, छड़ में हम लोग यहाँ पे ये रिंग देते हैं, रिंग का बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपकी इस तरह से दी जाती है। तो आपकी जो GB1 में क्या होगा डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, अगर फर्दर GB5 देखना है तो अब यहाँ पे जीवी देख सकते हैं GB5 का क्या दिया हुआ है मेंशन। तो हर तरह की बीम का, कॉलम का, फाउंडेशन का, सबकी जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं टिपिकल कॉलम फुटिंग का, एक कॉलम के साथ नीचे फुटिंग है तो उसका डायमेंशन क्या है, तो उसमें हम लोग छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो है वहाँ पर वो किस तरह से लेइंग करेंगे, ये सारी डिटेल्स दी जाती है यहाँ पे। ये छोटा ड्राइंग था इसलिए यहाँ पे EQ दे दिया गया है, और बाद में EQ का ये पूरा लेते हैं बाद में कहीं। अगर आपकी ड्राइंग छोटी होती है
तो एक ही डिटेल देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सेपरेटली उसका जो लेंथ होगा ईक्यू का लेंथ अलग से दे दिया जाता है कि इक्विवेलेंट का लेंथ इतना होगा, डी वन का लेंथ इतना होगा, सेपरेटली अलग से दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रिप्रेजेंट्स द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर, लोकेशन ऑफ स्विचेस, फैन, लाइट एंड अदर डिटेल्स। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द लोड कैलकुलेशन, टैपिंग ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइटिंग पाथ एंड अदर इंटरमेशन सच एज एसी, यूपीएस एंड इट्स कॉम्पोनेंट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है वैसे इसको तो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, मतलब कि जो प्लानर होते हैं जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग करके दे देते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, ये साइड ड्राइंग दे देते हैं। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देख लेता है कि इतना बड़ा रूम है, उसमें रूम के फैन का की जरूरत कहाँ पड़ेगी, फैन का सेटिंग कहाँ होगा, उसके लिए जो केबल है वो कहाँ कहाँ बिछानी पड़ेगी, मतलब केबल के लिए पाइपलाइन जो बिछाई जाती है वो कहाँ कहाँ बिछाई जाएंगी, ये सारी डिटेल्स बनाकर इलेक्ट्रिकल वाले ही देते हैं। तो यहाँ पे स्विच पैनल कहाँ पे होगा, एसी जब कहाँ पे होना चाहिए, एसी के लिए अब जो स्पेस छोड़ा जाता है, वो सारी डिटेल्स आपको इस ड्राइंग में मिल जाएंगी। उसके अलावा जो पावर सप्लाई की जो डक्ट तो है ही, इसके साथ साथ सेपरेटली अगर आप यूपीएस मतलब कि इन्वर्टर की लाइन चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट हम लोग केबल जो बिछानी होती है वो सारी जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दी जाती है। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत छोटी हो जाती हैं, अगर कोई बड़ा सारा इन्फॉर्मेशन अगर लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मिक्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पे किचन लिखा हुआ है, किचन के ऊपर भी केबल गया हुआ है तो वहाँ पर सही से दिख नहीं पाएगा, इसलिए सेपरेटली हम लोग उसका लीजेंड बनाकर स्विच बोर्ड ये होगा, स्विच बोर्ड का सिंबल ये है, फ्लोरेसेंट लाइट का सिंबल ये है, डायमेंशन क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दी जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करने के लिए दी जाती है, इस साथ में ही बिल्डिंग के साथ में ही अगर जो आपका वॉल है वॉल के पास कहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना है, जो स्लैब है स्लैब में आपकी पाइपलाइन बिछानी है उसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी केबल बिछानी है वो पहले से बिछाई जा सके, जहाँ पे आपको एसी के लिए स्पेस छोड़ना है वहाँ पे स्पेस छोड़ी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग गिव्स द लोकेशन ऑफ सैनिटरी एंड पाइपिंग फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम, फिक्स्चर एंड प्रोसेस ऑफ कनेक्ट एवरी फिक्स्चर। फिक्स्चर मतलब हो गया कि आप जो भी फिटिंग्स कर रहे हैं और उसमें फिटिंग को कनेक्ट करने के लिए जो भी आप आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लम्बिंग में आता है कि इसमें जो प्लम्बिंग एक्सपर्ट होते हैं और इसमें ड्राइंग बनाते हैं, मतलब कि जो प्लान है बिल्डिंग का वो दे दिया जाता है और उसी प्लान में वो सजेस्ट करते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आप फिटिंग्स करेंगे। फिटिंग्स में आपका क्या क्या होगा, उसमें होगा कि आपका जो वाटर सप्लाई करने के जो पाइपलाइन है वो कहाँ पे होगी, वाटर सप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप मेनली करते हैं बाथरूम में या फिर वॉश बेसिन में या फिर किचन में। ठीक है, मेनली यही तीन चार लोकेशन पर आप इस्तेमाल करते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस। तो वहाँ पे जो टैप है जहाँ जहाँ आपके पास टैप रहेगा वाटर टैप, वहाँ वहाँ पे हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे और उसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको कलेक्ट करके आपको वापस सीवेज पाइपलाइन में भेजने के लिए जो भी पाइपलाइंस होगी, जो भी आपके फिटिंग्स होंगी, मतलब कि यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे जहाँ टर्न है बेंड है, ये सारी जहाँ पे आपके किस तरह का रजिस्ट्री मतलब कि उसको बंद करने के लिए कोई नॉब दिया हुआ है, पाइप वाटर फ्लो को बंद करने के लिए कोई नॉब दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपकी जो प्लम्बिंग एक्सपर्ट होते हैं वो ड्राइंग में डालते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि आपके बिल्डिंग बनने के बाद जो जो भी आपको फिटिंग करनी है वो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही करनी होती है। तो इसमें आपका प्लान भी हो सकता है, एलिवेशन या सेक्शन भी हो सकता है कि आपका जो बाथरूम में जो टाइल्स है वो कितने हाइट तक होंगी, कहाँ पे आपको मिरर लगाना है, कहाँ पे वॉश बेसिन लगाना है, इस बाथरूम में कहाँ पे आपको कमोड लगाने हैं, कहाँ पे शावर लगाना है, कहाँ पे आपको वॉश बेसिन होगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग उसमें देते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको वो दिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिनिशिंग ड्राइंग में। फिनिशिंग ड्राइंग रिप्रेजेंट द फिनिश टाइप ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग सच एज फ्लोरिंग पैटर्न्स, पेंटिंग कलर, फॉल्स सीलिंग शेप, प्लास्टरिंग टेक्सचर एंड एलिवेशन डिजाइन। These details are sometimes given in elevation drawing also.
तो मतलब कि जो भी आपका बिल्डिंग है उसका जो प्लान है उसमें हम लोग जो अगर कोई अगर बिल्डिंग का प्लान है उसमें जो हम लोग फ्लोरिंग दे रहे हैं, फ्लोरिंग किस टाइप की है, फ्लोरिंग हो सकती है आपकी मार्बल फ्लोरिंग हो या फिर कंक्रीट फ्लोरिंग हो या वुडन फ्लोरिंग हो या इंडियन पैटर्न स्टोन फ्लोरिंग हो। तो जितने तरह के फ्लोरिंग्स होते हैं जो फ्लोर देते हैं तो वो फिनिश आपका बिल्डिंग का फिनिशिंग में आता है, प्लास्टरिंग आता है वो भी बिल्डिंग फिनिशेज में आता है। तो प्लास्टरिंग करना है, प्लास्टर में कुछ पैटर्न डालने हैं, मतलब कि कोई आपका बिल्डिंग का जो आउटर अपीयरेंस देखते हैं, आउटर देखते हैं तो उसमें आपको जो बिल्डिंग में कुछ लोकेशंस पर लाइंस बनाई रहती है, बनाई ग्रुप्स छोड़े रहते हैं प्लास्टरिंग में ही। तो ये सारी तरह के जो डिजाइंस है कि बाद में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाए, मतलब कि कॉलम बन जाए, वॉल्स बन जाए, तो बाद में जो लास्ट में जो फिटिंग्स करनी है, जो फिनिशिंग करनी है बिल्डिंग की, वो कौन जो मटेरियल्स हैं कौन कौन से होंगे, किस तरह की हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंड फिलिंग है, फ्लोर कंक्रीट है, उसके बाद फ्लोर फिनिश है, इस सारी डिटेल्स मतलब अच्छे से दी जाती है उसमें। उसके अलावा प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग में कितना थिकनेस होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर आप फॉल सीलिंग दे रहे हैं, मतलब कि जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा रूफ दिखे, तो उसके लिए हम लोग एक फॉल सीलिंग देते हैं, मतलब कम डेप्थ पर पूरा सीलिंग को एक फॉल सीलिंग देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ हाइट पर। इसका पर्पज होता है कि आपको जो रूफ है उसको और खूबसूरत बना सके, बनाया जा सके और पूरे जो स्पेस है उसको कम कर सके। कम करने का पर्पज ये होता है कि अगर आप एसी इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप फॉल सीलिंग रहेगा तो उस केसेस में होता ये है कि आपको कम एफर्ट में अच्छे से पूरा रूम को कूल कर सकते हैं। तो ये भी फॉल सीलिंग भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टरिंग टेक्सचर होता है या फिर एलिवेशन डिजाइन भी इसमें दी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अदर टाइप के बिल्डिंग ड्राइंग में, जैसे कि आपका आता है कि साइट प्लान्स। तो प्लान्स जानते हैं, टॉप व्यू होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग ऑल द डिटेल्स नियर बाय द स्ट्रक्चर आर शोन, लाइक प्लॉट नंबर, नेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। मतलब कि आप जो बिल्डिंग जहाँ बनाने वाले हैं वो आपके आसपास के जो डिटेल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं इसमें। तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका रोड कहाँ पे है, कहाँ पे आपका कोई प्लॉट नंबर है, दूसरा प्लॉट कहाँ पे है, उसमें आपका बिल्डिंग का प्लान कैसे। हम लोग बिल्डिंग के अंदर की डिटेल्स नहीं देते हैं, मतलब बिल्डिंग में अलग कहाँ रूम कहाँ हुआ सब नहीं देंगे, उसके आसपास जो डिटेल्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द बेड्स ऑफ द स्ट्रीट एंड रोड आर ऑल्सो मेंशन, द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इज ऑल्सो रिटन इन स्केच, नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑल्सो मार्क देयर एज वेल सो दैट प्लॉट कैन बी इजिली लोकेटेड, किस डायरेक्शन में होगा उसके लिए हम लोग नॉर्थ साउथ के लिए हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे। दिस ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड इन द स्केल ऑफ 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल से बनाया जाता है ताकि बड़े एरिया को हम लोग छोटे में दिखा सकें। ओनली द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्लॉट आर शोन इन सच स्केल, नॉट डिटेल्स ऑफ इंटरनल रूम। तो बिल्डिंग का बाउंड्री लाइन ही हम शो करते हैं, अंदर की चीज़ें नहीं दिखाते। इसका फायदा ये होता है कि हम लोग समझ पाते हैं कि रोड के रेस्पेक्ट में आपका बिल्डिंग कहाँ बनेगी, कहाँ पे कितना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साइट प्लान में मिल जाती है ताकि इसके अकॉर्डिंग ही आप जाके आप फर्दर आप जो नया काम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आपका जो प्लॉट है उसमें आप किस लोकेशन पे होना चाहिए वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग तो अब तक मैंने मैक्सिमम जो ड्राइंग बताई वो वर्किंग ड्राइंग ही थी, क्योंकि ऑल द टाइप्स ऑफ ड्राइंग विच आर यूज डायरेक्टली टू वर्क एट साइट आर कॉल्ड वर्किंग प्लान, वर्किंग ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब कि जो साइट ड्राइंग हम लोग जस्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं वो सारे वर्किंग ड्राइंग में होते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग में बहुत सारी टाइप की ड्राइंग्स होती है, मतलब जरूरी नहीं कि आपका जस्ट प्लान एलिवेशन सेक्शन ही हो, उसमें हो सकता है कि आपका शुरुआत में जब आप जाते हैं किसी साइट पे नया काम स्टार्ट करने के लिए तो वहाँ पे जो है कि खुदाई करनी है पहले इसमें फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन बनाने के लिए उसके लिए लोकेशन क्या होना चाहिए, फाउंडेशन का लोकेशन वो जो होता है फाउंडेशन एक्सकवेशन प्लान अलग होता है, मतलब खुदाई करने वाला प्लान, कहाँ कहाँ पे आपको खुदाई करनी है, कितने स्पेस में खुदाई करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉलम प्लान आपका अलग होगा, फाउंडेशन कहाँ पर लोकेटेड होगा वो सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कॉलम कहाँ लोकेटेड है उसका प्लान होना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, ये सारी जो ड्राइंग्स है ये सारी ड्राइंग कराती है वर्किंग ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है शॉप एंड असेंबली ड्राइंग। ये भी एक टाइप की ड्राइंग है, ये मेनली इस्तेमाल की जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है।
कि कोई टूल्स आपको कोई मैन्युफैक्चर करना है तो उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे। इन प्रोडक्ट नहीं मतलब प्रोसेस में दिखाया जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इन बिल्डिंग लाइक लिफ्ट एलिवेटर ईटीसी इज अ डिफिकल्ट पर्पस प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि किसी भी बिल्डिंग में जो मैकेनिकल डिवाइस मैकेनिकल पार्ट है जैसे कि लिफ्ट हो गया या फिर एलिवेटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करना प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक सिविल इंजीनियर को ये सब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं क्योंकि इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो मैकेनिकल ही होते हैं। तो आपको जो इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपको प्रोसेस है या फिर उसके लिए जो आपको जगह स्पेस छोड़ना है तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। तो मैकेनिकल तो इम्पॉर्टेंट है ही और उसके साथ साथ इसमें सिविल का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डिवाइस है उसके बारे में सिविल इंजीनियर को आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो लिफ्ट के बारे में एलिवेटर के बारे में ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो वो जो मशीन आएंगी जो इंस्टॉल करने के लिए आएंगे तो उसको जो रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए जो स्पेस चाहिए होगा वो कहाँ कहाँ आपको छोड़ना है कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देयरफॉर होल प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज शोन बाय असेंबली ड्राइंग। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या होगा वो सारी शो करनी होती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है बहुत बड़े एरिया में काम करना है आपको तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सेट जो बनाते हैं छत बनाते हैं, छत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम लोग ट्रस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जो आप हमारे कॉलेज में जो इंजीनियर वर्कशॉप है उसमें ट्रस बनाया हुआ है, मतलब कि इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रस, जिसमें हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, पाइप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कभी कभी या फिर स्टील के एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। एंगल मतलब एंगल सेक्शन का, जो आप एंगल सेक्शन इस तरह के होते हैं या फिर चैनल सेक्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मेनली एंगल सेक्शन या फिर सर्कुलर सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चैनल सेक्शन इस तरह के ये स्टील के पेपर बने होते हैं तो ये सारे जो सेक्शन होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस तरह के ट्रस बनाने में। तो ट्रस बना रहे हैं तो ट्रस का फिटिंग कैसे करना है, आपको वेल्डिंग करनी है या फिर उसमें बोल्ट का इस्तेमाल करना है तो सारी जो फिटिंग्स होगी वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे बनाना है कैसे सेटअप करना है वो सारी डिटेल्स दी जाती है ये शॉप या असेंबली ड्राइंग में। या फिर ब्रिज जो बन रही है आजकल बहुत सारी मशीनें से ब्रिज बनती है, मतलब कि क्या करता है डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं ब्रिज को, मतलब कि ब्रिज का पिलर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो ऊपर की स्लैब जो होती है ऊपर की स्लैब पहले से कंस्ट्रक्ट होकर आती है और उसको मशीन के थ्रू हम लोग उसको एलिवेट करके उसको वहाँ पर सेट करते हैं स्लैब को ऊपर सेक्शन वाइज सेगमेंटल ब्रिज जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के ब्रिज को सेट करने का जो प्रोसेस है ये एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस है तो मैकेनिकल प्रोसेस में मतलब किस तरह से आपको लिफ्ट करना है किस तरह से सेट करना है वो सारी डिटेल्स जो जिस ड्राइंग के थ्रू दी जाएगी वो होगी आपकी शॉप या असेंबली ड्राइंग। ठीक है, तो एज ए सिविल इंजीनियर भी आपको इसे जानना चाहिए कि ड्राइंग किस टाइप की होती है, मतलब मैकेनिकल ड्राइंग भी है तो वो उसको भी समझना चाहिए कि ताकि आपको जो बिल्डिंग या किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाए तो आप बना सके। ठीक है, तो अब तक थ्योरिकल पार्ट में बहुत हम लोग कवर कर चुके हैं, बिल्डिंग ड्राइंग तक पूरा कवर कर चुके हैं, अब बाकी रह गया है पिक्टोरियल व्यू, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जो भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो मेनली मेरा पर्पस रहेगा कि आपको लैब के जो आपको काम करना है उस पर प्रोसेस उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।